अभी देखना कितने गड्ढे निकल नहीं पाओगे, इतने वो हुए इस गवर्नमेंट में से, इतने खदन हुए कि निकल नहीं पाओगे। तब भी शर्मा ने एक शो में कहा था कि देश की सड़कें इतनी खराब है कि अगर कोई प्रेगनेंट लेडीज हाथ पीकर जाती होती है सड़क से तो लास्ट में प्रसव हो जाता है। मेट्रो तो अखिलेश की देन है, जितने पुल बने वो अखिलेश की कार्यकाल में चालू हुए। मैं गौरव अवस्थी, आप देख रहे हैं द कंटाप। लगातार यूपी में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, अब यूपी में क्या कुछ होने वाला है, आम पब्लिक क्या सोचती है, लोगों से इसकी राय जानेंगे, सरकार कैसी लगी आपको? देश में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। भ्रष्टाचार तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, सिर्फ पेपरों में, और उन पेपरों में कार्रवाई 5-4 बार होती है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। अच्छा, आप समाज सेवा भी शायद करते हैं, तो लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या लग रहा है? लोग अपनी परेशानियों के लिए उब रहे हैं, लोग निराश हैं, लोग हताश हैं, लोग इस समय नया विकल्प चाहते हैं, लोग चाहते हैं तो नया विकल्प मिले उनको, जिस विकल्प पे वो काम करें, परंतु वो हताशा की तरफ हैं। उन्होंने कभी उम्मीद रखा था कि देश में सरकारें बदलेंगी, सत्ता जैसी और की जाएगी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, आज पूरे वादे से मुछले जा रहे हैं। अरे अच्छे दिन आए, अच्छा सरकार कहती थी अच्छे दिन आएंगे। हाँ, होर्डिंगों में दिखाई देता अच्छे दिन आ गए, बाकी जनता के पास जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है वहाँ चूल्हे से थाना बनता तो चूल्हे से थाना बनता है। उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर दे दिए गए, घर के अंदर किमारा में लगता है, घर के अंदर उज्ज्वला सिलेंडर लगता है, परंतु 1000 रुपये आदमी के पास कहाँ से आएगा भराने का? 400 बड़ा सिलेंडर 1000 में भरवाएंगे, सिलेंडर ही बना रहेगा पर भरेगा नहीं वो। अच्छा, महंगाई अगर देश हित के लिए हो तो सही है? देश हित के लिए महंगाई हो नहीं सकती, क्योंकि महंगाई से ही गेट चढ़ता है, महंगाई से आम जनता का पेट भरता है, और जिस काम के लिए आम जनता उठी रहे वो काम देश में हो नहीं सकता। तो क्या लग रहा है कि सरकार ने काम कैसा कराया? यूपी नंबर एक पे आ गया, यूपी की सड़कें और यूपी नंबर एक में वही है। मैं 2014 के बाद याद दिलाना चाहता हूँ, तपी शर्मा ने शो में कहा था कि देश की सड़कें इतनी खराब हैं कि अगर कोई प्रेगनेंट लेडीज हाथ पीकर जाती होती है सड़क से तो लास्ट में प्रसव हो जाता है, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसलिए मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेले में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, परंतु लोगों की सड़क उससे भी ज़्यादा खराब है। आज जब मैं छूटे बोलूंगा तो तपे शर्मा पे एक लगा था, मेरे ऊपर दो लगेंगे। गड्ढा मुक्त प्रदेश बना दिया गया है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? बनारस गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, प्रधानमंत्री के संस्कृति से तो हुआ। क्योटो बन गया, नहीं गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, तासी में क्योटो बन गया है, क्योंकि वहाँ दाली चलेंगे नहीं, अब तो वहाँ स्टीमर चलेंगे, पानी से भरा है। बिल्कुल, ये लोग हैं बता रहे हैं सरकार ने क्या कुछ काम किया, आम लोग हैं। भैया नौजवान हैं आप, सरकार कैसी लगी? सरकार हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, किसानों को देखिए कितनी समस्याएं, जो खाद थी 50 किलो की बोरी आती थी वो 45 की हो गई, और वो भी समय से नहीं मिल पाती, समय से ना बीज मिल रहा है ना कुछ, किसान परेशान है, कर्ज पर कर्ज दे रही है गवर्नमेंट। बताइए, किसानों के लिए तो बहुत सारा सरकार काम कर रही है, कह रही है कि गांव में अनाज वगैरह भी फ्री दिया जा रहा है किसानों के लिए, 5 किलो 10 किलो अनाज की जरूरत नहीं है किसानों को, किसानों की व्यवस्थाएं की जरूरत है। बताइए क्या व्यवस्था किया है सरकार ने? खाद तो वो कम कर दिया, 50 किलो बोरी आती थी वो उसके रेट हो गए 3 गुना ज्यादा, लेकिन किसानों का जो वो अभी धान देख लो 900 रुपए कुंटल बिका, लेकिन वहाँ पार्लियामेंट में ये लोग केवल दिखाते हैं कि 1950। अब यहाँ जो गरीब किसान है जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो 100 कुंटल 200 कुंटल थोड़ी ना पैदा कर पाता है, उसके पास तो 85 कुंटल हुआ ना, अब वो पता लगा मंडी लेके गया वहाँ उसका बिका नहीं। अच्छा, गाँव में ग्रामीण आप बात कर रहे हैं किसानों की, किसानों के क्या गांव में समस्याएं हो रही हैं? क्या बहुत ज़्यादा समस्याएं, खाद मिल नहीं पा रही, लाइट की व्यवस्था आ नहीं पा रही, जहाँ सिंचाई नहर विभाग है तो उसको उखाड़ के गुलाबे 4 इंच रख दिया गया है, उससे पानी पूरा पहुंच नहीं पाता खेतों तक, पहले 100 नंबर की व्यवस्था थी ठीक ठाक, अब वो तो है नहीं, उसे नहीं आती। अरे सुरक्षा तो बहुत है, हाँ तो वहाँ झगड़ा होता है तो 2 घंटे बाद पहुँचती है, गाँव जाके देखिए आप। अच्छा, महंगाई की आप बात कर रहे हो, महंगाई से दिक्कतें हैं, सरकार तो कह रही सबको रोजगार दे दिया गया, कहाँ रोजगार, 4 लाख युवाओं को रोजगार है ना, कहाँ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया? बताइए, 4 लाख युवाओं को रोजगार है, 100 रोजगार से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया कहाँ मिल गया आप बताइए मुझे, 4 लाख में कितने लग गए? केवल ये टीवी और केवल उसी में रहता है, बाकी यहाँ सामने कुछ नहीं।
टीवी में विज्ञापन चलते हैं। हाँ बस विज्ञापन, बस उन्हीं की पत्रकारिता होती है और कुछ नहीं। यूपी नंबर एक पे आया, नंबर एक में आप खुद ही को दिख रहा है, ये रोड देख लीजिए आप कितने गड्ढे होंगे, गड्ढा मुक्त प्रदेश बन गया। अरे कहाँ आप, चलो अभी हम तुमको ले चलते हैं इधर ही, अभी देखना कितने गड्ढे, निकल नहीं पाओगे, इतने वो हुए हैं इस गवर्नमेंट में से, इतने खदन हुए हैं कि निकल नहीं पाओगे। युवा कुछ विकल्प सोच रहा है क्या? अब बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए और क्या लगता है कौन? अब जो विकास करेगा, विकास की बात करेगा वही आएगा। अच्छा विकास की बात कौन सरकार करती है? अब विकास के लिए तो अब वो सोचा जाएगा, सोचा जाएगा और क्या, किसी सरकार पहले जो सरकारें रही उन्होंने काम कैसे किया? अब काम के लिए तो अखिलेश ने विकास किया, अखिलेश ने विकास किया, क्या विकास किया कुछ विकास सरकार ने किया? क्या विकास किया है? अभी हमारे यहाँ मिरवान सिंह प्रभाव पड़ता है, वहाँ पे पुल पास किया, रोड विकास हुआ, वहाँ पे एक स्टेडियम पास किया, ठीक स्टेडियम पास है, नप चुका, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि अभी उसको बना देंगे तो इनका नाम हो जाएगा, अखिलेश का नाम होगा अगर स्टेडियम बन जाएगा, इस वजह से वो बनाना नहीं चाहते। सरकार कह रही है कि इसमें जितना हम लोगों ने विकास किया है सरकार ने, उतना किसी ने विकास नहीं। कानपुर में क्या विकास किया बताओ? कानपुर में मेट्रो आने वाली, मेट्रो तो अखिलेश की देन है, कानपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है। कहाँ स्मार्ट बना है बताओ, क्या बन गया? मेट्रो तो अखिलेश की देन है, जितने पुल बने वो अखिलेश की कार्यकाल में चालू हुए, ठीक जितने स्वास्थ्य के, अभी भीतर गाँव वाला स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था अखिलेश गवर्नमेंट में, चालू तक नहीं करवा पाए, बताइए अगर ये चालू होता तो इस कोरोना में कितना बड़ा लाभ होता इस क्षेत्र का, दक्षिण का। अभी यहाँ मंडी में कहा था हॉस्पिटल बनेगा, बना, वहाँ तो कार्यालय बन गया। अब मंडी किस लिए खाली कराई गई थी? इसीलिए तो खाली कराई गई थी कि यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। बिल्कुल, ये आम लोग हैं अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि सरकार के कामों से कितना खुश हैं कितना नाखुश हैं, सरकार ने इनके इलाके में कितना कुछ काम कराया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव जायसवाल के साथ देखते रहिए दखल दाब।